जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार 14 अगस्त को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक प्राण शहीद हो गए हैं, जबकि 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 4 आतंकवादियों के ढेर होने की आशंका है। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन 48 राष्ट्रीय राइफल्स में से व्हाइट नाइट कॉर्प में बताया कि भारी गोलीबारी के बीच आतंकियों की तलाश जारी है। ऑपरेशन के दौरान युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू के उधमपुर जिले के पटनी और डोंडा जिले में बॉर्डर के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिसके बाद वाहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मंगलवार शाम 7 बजे और 8 बजे के बीच सुरक्षा बल उस कमरे में पहुंचे जहां यह आतंकी आराम कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने हथियार और गोला बारूद वहां पर रखा हुआ था। इसके अलावा वे अपने पास भी हथियार रख कर सो रहे थे। वहीं सुरक्षा बलों को देखकर आतंकी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग करना चालू कर दिया। सुरक्षा बलों से अपने आप घेरते देख आतंकवादियों को तुरंत वह जगह खाली करनी पड़ी। दहशतगर्द हाट में अपनी एक M4 कार्बनाइट और कुछ गोला बारूद वहीं छोड़कर भाग गए। सेना के जवानों ने गोला बारूद और घटना स्थल से बरामद हथियार को रिकवर कर लिया है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी तक आतंकी हमले ज्यादातर घाटी में देखने को मिले हैं, लेकिन अब जम्मू में भी आतंकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सेना के काफिले पर घात लगा हमला करने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के जरिए सेना पर किए जा रहे हमलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार 14 अगस्त को बैठक की। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। इसके अलावा DGMO और सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बताया गया कि बैठक में आतंकियों से निपटने पर प्लान तैयार करने को लेकर चर्चा की गई। खबरी चौखट की रिपोर्ट।